वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन। मैं सना सैफी आज आपके लिए लेकर आई हूँ MPSE 09 का सॉल्ड असाइनमेंट, जिसका टाइटल है कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। यह हमारा सॉल्ड असाइनमेंट है 2022-23 के स्टूडेंट के लिए। हमारे यहाँ सॉल्ड असाइनमेंट एंड हैंडरिटन एंड हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं। यदि आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपने स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको MPSE 09 का सॉल्ड असाइनमेंट। सो हम आ गए हैं अपने सॉल्ड असाइनमेंट की ओर। ये हमारा कोड है MPSE 09, जिसका टाइटल है कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ये हमारा सॉल्ड असाइनमेंट है 2022-23 के स्टूडेंट के लिए। देन ये हमारा डिस्क्लेमर है। अब मैं दिखाऊंगी आपको अब हमारा आ गया है ये क्वेश्चन पेपर। सो आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसके सॉल्यूशंस। सो आप देख सकते हैं इसमें हमें एक नोट दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। अटेम्प्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस फॉर ईच सेक्शन। ईच क्वेश्चन कैरियस 20 मार्क्स। सो अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका सेक्शन नंबर 1 के क्वेश्चंस। सो इसमें हमें ये 1st क्वेश्चन दे रखा है। आप देख सकते हैं कि रेड कलर में लिखा हुआ है, प्लीज़ आप अपने इस क्वेश्चन को ब्लैक पेन से लिखिए एंड देन आंसर को ब्लू पेन से। सो इसमें लिखा हुआ है 1st क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्लेन नेचर एंड फीचर्स ऑफ जेंडर मूवमेंट्स इन कनाडा। सो मैं अब दिखाऊंगी आपको इसका आंसर। सो आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाएं। को अगर ये PDF परचेज करना है तो प्लीज़ आप हमारे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपने स्क्रीन पर और अपने डिस्क्रिप्शन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और आप देख सकते हैं कि हमने अपने मेन पॉइंट्स को बोल करके देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको इसी तरीके से अपने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। सो आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाएँ। आपको अगर इसका हैंड रिटन असाइनमेंट भी परचेज़ करना है तो आप प्लीज़ हमारे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपने स्क्रीन पर दे रखा है अपना व्हाट्सएप नंबर, आप प्लीज़ हमें उस पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सो यहीं तक हमारा 1st क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका 2nd क्वेश्चन। सो चलते हैं अपने आंसर की ओर। तो ये हमारा आंसर है इसका 2nd का। आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाइए। आपको अगर इसका सॉल्व PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपने स्क्रीन पर दे रखा है अपना व्हाट्सएप नंबर। सो यहीं तक हमारा 2nd क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगी आपको इसका 3rd क्वेश्चन। सो चलते हैं अपने आंसर की ओर। ये रहा हमारा आंसर। अब अपने आंसर को लिखते जाइए। आप देख सकते हैं कि हमने अपने मेन पॉइंट्स को बोल करके देन उसके बारे में कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आपको इसी तरीके से अपने हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। सो यहीं तक हमारे सेशन 1st के ऑल पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं दिखाऊंगी आपको सेशन नंबर 2 के क्वेश्चंस। सो ये हमारा, इसमें हमें नोट दिया हुआ है, इसमें बोला गया राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ईच पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स ईच। सो ये हमारा 6th का A पार्ट है, जिसमें बोला गया नेचर्स इन इम्पॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ फ्रीडम इन कनाडा। सो ये हमारा आंसर है इसका। आप प्लीज़ अपने आंसर एंड क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि इसमें क्या बोला गया है, और आप अपने आंसर को लिखते जाएं।
आपको अगर ये सॉल्व पीडीएफ परचेज़ करना है या फिर आपको इसकी हार्ड कॉपी परचेज़ करनी है तो आप प्लीज़ हमारे इस विविन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमने अपने स्क्रीन पर और अपने डिस्क्रिप्शन पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप प्लीज़ हमें उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो आप प्लीज़ अपने आंसर को लिखते जाएं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। अभी तक हमारा MPSE 09 का सॉल्व असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको अगर इसका सॉल्व असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमारे इस और अभी तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको न्यू वीडियो का अपडेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।